अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, थर्ड वीडियो फ्रॉम मदीना गोट फार्म। हम लोग नागपुर में हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम है माशाल्लाह मौजूद है। हाशिम भाई के साइड में बैठे हमारे अवीम भाई और हमारे भाई हैं नवेद भाई है हमारे। नवेद भाई हमारे माशाल्लाह ये भी फार्म पे हमारे देखरेख में रहते लगे रहते भाई। साथ में जब भी आते साथ में आते भाई अल्हम्दुलिल्लाह से। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वीडियो में थोड़ा फीड के बारे में बात करेंगे हम लोग जी। ठीक है, पहले आप सरसरी बता दो क्या क्या खिलाते हैं आप? भाई अपन अपने फीड में जैसे जो शुरुआत तो अपन हरे चारे से करते हैं ना, जिसमें हरी पत्ती भी आ गई, जो अपन ने पेड़ पौधे जो लगाए वो भी आ गए, और जो अपन जो परचेसिंग करके जो खिलाते हैं मक्का गेहूं बाजरा, और अभी ठंडी आ गई, ठंडी में सोयाबीन हो गई है ना, ये सब भी देते हैं अपन। और जिसमें चने की जो भूसी आती है हमारे पास, और चने की भूसी जिसे और उसपे मिक्स करते हैं अपन, जो पल्स चूनी करके हमारे पास बोलते हैं, जो दाल मिल से निकलती है, दाल मिल से जो निकलती है उसमें तरह तरह की दालें मिक्स होती है पूरी, वो दालों मिक्स करके चने की भूसी मिला के और उसमें नमक काला नमक मिला के वो अपन गीला करके वो देते हैं सब। और हरी पत्ती तो अपन बाहर से मंगा के देते ही देते हैं भाई। सही है, तो ये सारी चीजें आपके दानों में आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ जैसे लास्ट वीडियो में भी देखे कि आपके पर्सनल केयर हो रही है एक बकरे की। हाँ भाई, इसके पीछे क्या रीजन भाई? इसके पीछे का रीजन ऐसा है कि बकरे अंदर ही अंदर बंधे रहते हैं है ना, तो उसमें क्या थोड़ा सा बाहर लाके उनको बांध दिए, बाहर का एटमोस्फियर एक खुलापन अपनापन मिल जाता है। और साथ में एक एक बकरों को खिलाने का ये अपना मकसद है कि भाई कौन सा बकरा कम उठा रहा है दाना, कि आज जैसे आपने उसको उठाया तो आज इसने इतना दाना उठाया, फिर कल उसका दाना खा रहा है बकरा तो ज्यादा बढ़ा दो, तो आज अगर उसको आपने एक दिन समझो इतना दाना दिए तो भाई कभी कभी क्या होता है दाना छोड़ देता है, तो क्यों छोड़ा इससे अपने को पता चल जाता है। फिर उसके अपन उसके जो अपने ट्रीटमेंट होता है, जो इलाज होता है, क्यों खाया, उसका हाजमे से रिलेटेड, उसके डाइजेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, वो अपन फट से अपन पकड़ लेते हैं। अभी से एक टाइम अपन यदि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये अपन कोई ऐसा शोबाजी नहीं कर रहे भाई है ना, आप हमारे पीछे भी आके देखेंगे बकरे आज जैसे आपको पीछे पूरे बंदे दिख रहे हैं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से आप कोई भी कस्टमर जिनके क्लाइंट है या किसी को देखना है पहले फिर बाद में बकरे पलाए, वो भी आके देख ले बकरे शाम को 3 या 4 बजे से आपको यही पूरे बंदे मिलेंगे। और बकरों की पलाय आपकी 2500 रुपए? 2500 रुपए भाई। अंडुल हो खस्सी हो बड़ा अंडुल हो खस्सी हो बड़ा हो या छोटा हो, और चाहे फीमेल भी हो उसके भी 2500 रुपए, और सारी वैक्सीनेशन उसमें आ गई है, सारी केयर टेकिंग से लेकर सब उसमें आ गया भाई। नावेद भाई तो यहीं के, पर अविन भाई आप मेरे साथ है, आपको कैसा लगा ये पूरा सेटअप? सिम्बा मेरे को इतना अच्छा लगा ना, पिन ड्रॉप साइलेंस है, और दूसरी बात इनके पास जगह ही जगह है, और देख रहा हूँ मैं जानवर भी अच्छे खुश लग रहे इधर ये माहौल के अंदर, जैसा चाहिए वैसा ही नहीं, भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर एक अलग, और भाई माशाल्लाह जैसा बोल रहे वैसा केयर भी कर रहे आए तब से तो देख रहे, और देखो ना बड़ी बात है ऐसा एक एक जानवर को ऐसा खुला खुला रखना। सही है, दिन में एक बार कैसा जानवरों को थोड़ी चाल भी मिलती है ना पैरों को, ये बहुत जरूरी चाल है। अभी जैसा अपन भाई खा अपन पर्सनल जो देने का एक टाइम जो पर्सन तू अपन केजेस में रहे पर तो उनके टब में डाल दिया आदमी डालते गया चले गया डालते चले गया, ये अपना बाहर निकाल के पर्सनल देने का एक मोटी की थोड़ा सा एक अपनापन, एक जो बकरा जो आदमी खिला रहा है उसको एक अपनेपन हो जाती है। आप भी अकेले खाओगे तो कितना खा पाओगे भाई है ना, आप अपने फैमिली के साथ बैठोगे तो दोने वाले ज्यादा ही जाते हैं आदमी के पेट में। सही है, है ना भाई, तो उससे क्या है एक बकरे को अपनेपन और एक आदमी को बकरे से अपनापन हो जाता है कि भाई उसको लगन होनी चाहिए आदमी को भी करने धरने के लिए, बकरे भी हसपुस और अपन भी खाने के बाद थोड़ी बहुत वॉकिंग शॉकिंग टॉकिंग की जैसे निकलते हैं सैर पासा हाजमे के लिए, तो थोड़ा इसमें बकरों का ये भी हो जाता है। बहुत मतलब मजा ही आ रहा है, मजा भी है ना बकरों के लिए भाई। अपन जितना हो सके इंशाल्लाह, मैंने अपने जो पर्सनल चैनल पे डाला हुआ हूँ कि मेरे पास जिस दिन भाई 25 बकरे हो जाएंगे मैं पर्सनल केजेस का काम चालू करूंगा इंशाल्लाह, वो अपन इंशाल्लाह जिस दिन 25 हुए दूसरे दिन से अपन केजेस का काम चालू ही कर देंगे। ऑलरेडी भाई बाड़े बने हुए हैं और बाड़े बनने के बकरे थोड़े थोड़े दूर पे अपने केजेस में जाते हैं, उनको टब में जैसा टायर लगा के जैसा अपन जो फीड है पर्सनल फीड देते ही है, लेकिन एक केजेस का जैसे मुंबई में अपन देखते हैं हर फार्म पे केजेस अवेलेबल है, तो वैसे एक केज यहाँ पे भी अवेलेबल अपन करा के देंगे इंशाल्लाह। सही है, ये भाई देखो रेगुलर लगे हुए हैं, हर एक को पर्सनल फूड जाके दे ही रहे माशाल्लाह, अभी यहाँ बकरियों को दे रहे हैं। जी भाई, ये जो पलाई पे जो फीमेल्स है उनको दिया जा रहा है भाई। सही, जो पलाई पे बकरियां होती है तो उनको ब्रीड किससे कराते हैं? आपके खुद के बकरे से कराते हैं? नहीं नहीं भाई, हमारे खुद के बकरे से ब्रीड नहीं कराते भाई, अपन जैसे कुछ बकरियां हो गई जो हीट पे आ गई तो जैसे अपन उनको पहले तो अपन ये सलाह देंगे भाई अगर आप बकरियां रख रहे हो तो अपना बकरा भी लाके पलाई पर रख दो। ये सही बात, क्योंकि भाई क्लाइंट और भी अदर क्लाइंट के बकरे हैं, लेकिन भाई उनसे परमिशन लेना या एक परमिशन लिए बिना तो काम हो नहीं सकता, ब्रीडिंग तो मैं खुद की बकरी को भी नहीं कर सकता मैं,
ये आगे की भी बात है और पीठ पीछे की बात है भाई कि अपन किसी का बकरा किसी की बकरी के लिए या अपने बकरी के लिए यूज कर ही नहीं सकते और करेंगे भी नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। किसी की अमानत में ख्यालत हो जाएगी भाई, ये सही है। वो अपना बकरा ला के रखे या फिर भाई मैं क्लाइंट का नंबर शेयर कर दूंगा, जिससे आप परमिशन ले लो भाई कि ब्रीडिंग कराना चाह रहा हूँ, या किसी को कोई चार्ज लग रहा हो चार्ज ले ले, या कोई परमिशन देता हो तो भाई अपन करा देंगे। बकरे एक से एक आते हैं, एक से एक आते हैं भाई। तो अगर आप जैसे अपने चैनल पे भी डालते हो बेचने का जी, अगर कोई खरीदेगा तो यहाँ पलाई पे मुंबई वाले रख सकते हैं आराम से भाई, आराम से। यहाँ से मुंबई भेजने का क्या चार्जेस भाई? यहाँ से जो मुंबई भेजने का चार्जेस है अपना 1200 से 1500 रुपए लगेगा ट्रेन से एक बकरे का, है ना। आराम से भाई आपको जहाँ कल्याण हो, मुमरा हो, या बीटी सीएसटी बीटी जो भी हो, जहाँ भी पहुंचाना चाहे बैंड्रा वगैरह सब दादर, तो ये आराम से भाई 1200 से 1500 रुपए की बीच में आराम से भाई। उससे ऊपर लगा तो वो आप देख, वो हम देंगे भाई इंशाल्लाह। जैसे मैंने बताया था कि भिवंडी से ही लेके जाने का 2000 लगता है बम्बई, और पनवेल का कितना लगता है? 1500। तो 1500 में तो नागपुर से बम्बई आ रहा है बकरा। बाकी अभिम भाई से कांटेक्ट करें, रिक्शा में छोड़ देंगे, जा छोड़ना है ना। हंसा बकरों की लेकिन क्या ही बोलूं यार, नागपुर में इतना क्रेज क्यों है? बहुत क्रेज है भाई अल्हम्दुलिल्लाह से भाई। यहाँ से नागपुर में हमारे पास अगर कोई ब्रीडिंग सेटअप डाल रहा है या ब्रीडिंग सेटअप पे, अच्छा यहाँ पर कोई ब्रीडिंग सेटअप भी डाल सकता है ना आपके यहाँ? मेरे यहाँ पे फार्म पे डाल सकता है भाई, जैसे किसी को इतना बड़े बड़े आप केस देख रहे हो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से, ये जैसे यहाँ से लेके इतना बड़ा केस है, ऐसे बड़े बड़े केजेस है जिसको किसी को एक बाड़ा ही चाहिए रेंट पे, है ना। अब तो वो नॉर्मल सा आदमी जैसे घर में पालता है, आराम से भाई मेरे एक केज में 10 बकरी 1 बकरा आराम से रख सकता है, उससे भी ज्यादा आ सकता है। लेकिन मैं खुलेपन की बात बताऊँ की बकरों को डिस्टर्ब ना हो, एक आदमी खुद भी रख के एक्सपीरियंस ले सकता है यहाँ पे। सही है। एक बार है ना आप अपना नंबर दे दे लोगों को। भाई मेरा नंबर है 7020137738। ठीक है। और अगर क्योंकि आप पूरी पूरी गाड़ी मंगाते हो हरी पत्ती की जी, अगर किसी को खरीदना हो आपसे तो? मेरे से खरीदना हो भाई तो जैसे मेरे से कॉन्टेक्ट करे, है ना, मेरे को 1-2 दिन 3 दिन पहले बता दे। जिसको एक बोरी भी चाहिए भाई उसको भी अपन प्रोवाइड करके देंगे नागपुर में, है ना। नागपुर में अपना रहना है, वहां पे आकर मेरे मैं खुद अपनी कार से आता हूँ, पर्सनल कार से आता हूँ। उसमें किसी को चाहिए भाई, जैसे किसी को 100 किलो चाहिए तो अपने कार पे रख के ले जाके भाई वहाँ पे मैं फोन कर दूंगा आके ले ले। बल्क में चाहिए तो भाई तो वो तो आराम से भाई अपन यहाँ से गाड़ी करके भिजवा देंगे। नागपुर से कोई वो दूर भी नहीं है भाई, 35 किलोमीटर की दूरी है भाई, 35 किलोमीटर बोल दो कुछ भी नहीं, आराम से। और रोड का लाइन तो बढ़िया है, जबरदस्त रोड है, चलेगा। तो फीड के रिलेटेड सारी बातें कर ली आपने जी। दवा पानी के लिए बोलूंगा कि डॉक्टर की रोज एंट्री है, डॉक्टर की यहाँ पे रोज एंट्री है। जैसे कि मैं खुद भी यहाँ रहता हूँ और मैं खुद आके यहाँ पे रहता हूँ, मेरे को भी थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से नॉलेज है। कुछ भी डिसमिस लगा तो मैं खुद बकरे की देख लेता हूँ, और जैसे डॉक्टर है हमारे पास आते हैं रोज शाम को, वो चेक करके जाते हैं। और जैसे कुछ रेयर केस रहा तो यहाँ से 2 किलोमीटर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारा बकरों के लिए, पेट जो रहता है ना वो क्रिटिकल कंडीशन के लिए जैसे जाता है, जिसमें अपने को ब्लड टेस्ट कराना है, एक्सरे कराना है। सोने पे सुहागा हो गया, ये भी अवेलेबल है भाई, मतलब। और वैक्सीनेशन सारी आप देंगे? वैक्सीनेशन सारी हम देंगे भाई। और जैसा आपने एक बहुत बड़ी बात बोले, आज तक मैं सुना नहीं कि 2500 के ऊपर एक रुपया भी नहीं लेंगे, भले फिर बकरे के पीछे 10000 खर्चा करना, 10000 खर्चा करना पड़े भाई, वो हम लगाएंगे। सही है। और इनका ट्रेडिंग का माल भी आता है तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, इनसे लेके इनके पास पलाई पे भी रख सकते हैं बेशक। ठीक है जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनका जो यूट्यूब चैनल है मदीना गुड फार्म, उसको आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।